गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर्मल लेटर राइटिंग. व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर होता क्या है? यूजली रिटेन टू पीपल यू डोंट नो. ये उन लोगों के लिए लिखा जाता है जिन्हें आप नहीं जानते हैं. यानी मेनली रूप में आप ये लेटर का यूज़ तब करते हैं जब सामने वाले पर्सन को आप नहीं जानते हैं. जैसे रिटन टू कंप्लेन, यानी जब आप किसी की शिकायत करना चाहते हैं, किसी के बारे में कोई शिकायत दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो लेटर राइटिंग लिखेंगे उसे हम फॉर्मल लेटर राइटिंग कहेंगे. या फिर अप्लाई फॉर ए जॉब, या जब आप किसी जॉब को ढूंढते हैं या जॉब ढूंढने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, तो उसे भी हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग ही कहते हैं. और साथ के साथ रेप्लाई टू ए फॉर्मल लेटर यू हैव रिसीव्ड. और मान लीजिए आपको कहीं से कोई रिसीव लेटर जो है रिसीव हुआ है फॉर्मल लेटर, तो जो आप उसका रेप्लाई करेंगे तो वो भी आपको फॉर्मल लेटर के रूप में ही देना होगा. फॉर्मल लेटर्स, लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस हाउसेस, कस्टमर्स, एडिटर्स, कलीग्स एंड एक्वेंटेंसेस. यानी वो लेटर्स जो सरकार के लिए, यानी सरकारी कोई अफसर हैं, अधिकारी हैं उनके लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए यानी कोई हम अपना बिजनेस चलाते हैं उस पर्पस के लिए, कस्टमर्स किसी ग्राहक को, एडिटर्स को, कलीग्स यानी साथी को एंड एक्वेंटेंसेस यानी किसी अपने परिचित को फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर्स. तो वो सारे हमारे फॉर्मल लेटर जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत ही आते हैं. ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन ए फॉर्मल स्टाइल. फॉर्मल लेटर जो है हमारा फॉर्मल स्टाइल में ही लिखा जाता है. जैसे द लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द लेटर आर फॉर्मल, क्योंकि इसकी जो भाषा है और जो लिखने का टोन है लेटर को वो फॉर्मल है और साथ के साथ इम्पर्सनल भी है. इम्पर्सनल मतलब औपचारिक है और ऑब्जेक्टिव, या फिर ये कहें जनरल है यानी सामान्य लेटर है वो. बट प्लीसेंट, लेकिन हमें राहत देता है. नो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, कोई भी अनौपचारिक व्यवहार, एक्सप्रेशंस या ग्रीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर यूज. यानी किसी भी प्रकार की जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, अनौपचारिक बातें हैं, ग्रीटिंग्स यानी वेलकम करने के नोट्स हैं उनके बारे में, और साथ के साथ शॉर्ट फॉर्म्स का, हम जो शब्द की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं. जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम लोग लिखते हैं आई हैव, जब हम वैसे लिखते हैं आई हैव तो ऐसे लिखते हैं हम लोग आई हैव, लेकिन जब हम इन्हें शॉर्ट में लिखते हैं तो आई कॉमा और ये हमारे लिए कहलाता है आई हैव. तो यहाँ पर हमें केवल इस कैटेगरी का यूज़ करना है, इस कैटेगरी का यूज़ नहीं करना है. द लैंग्वेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो भाषा है वो हमारे लिए कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए यानी आसान होनी चाहिए. एंड टू द पॉइंट, और अपने पॉइंट्स को लेकर ही होनी चाहिए. यानी हम आउटसाइडर बातें इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं. इट मे बी स्ट्रांगली वर्डेड, और ये भी ध्यान रखा जाना है कि इसमें जिन शब्दों का हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रांग वर्ड्स हों. बट नेवर इम्पोलाइट, लेकिन असिस्ट ना हो. यानी जिन शब्द का यूज़ करें वो बहुत पावरफुल वर्ड्स हो, जिन्हें सामने जो सामने पर्सन को लिख रहे हैं उन्हें पढ़कर वो अट्रैक्ट हो, हमारी बात को एक्सेप्ट करें. ऐसे वर्ड्स का एक तो यूज़ करें, और दूसरा लेकिन ऐसे वर्डिंग का भी यूज़ ना करें जो हमारी कहते हैं कि मिसबिहेव वाली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं. द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प टू द विल हेल्प ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमारी मदद करेगी कि लेटर राइटिंग हमें कैसे लिखनी है. टू द ऑफिशियल्स, सबसे पहले बात करते हैं जब हम किसी अधिकारी को लेटर्स लिखते हैं तो बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ. सबसे पहले शुरुआत करनी है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के मतलब रेसिडेंट हमारा कहाँ पर है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ हम वहाँ पर अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन दें. देन क्लियरली स्टेट द पर्पज ऑफ राइटिंग. उसके बाद फिर साफ साफ अपना जो उद्देश्य है लेटर लिखने का उसके बारे में बताएं. गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डू और टू बी डन, तो और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दें आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करवाना चाहते हैं. मेक ए रिक्वेस्ट फॉर एप्रोप्रिएट एक्शंस, और निवेदन करिए उनसे कि वो कोई एक स्टेप उठाएं. इसी के साथ टू द एडिटर्स, और जब आप किसी एडिटर्स को लेटर लिखते हैं तो यू मे बिगिन विद ए रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट. आप शुरुआत कर सकते हैं उस तथ्य के साथ में कि जिसमें हाल में है जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर, न्यू इवेंट्स
ETC या कोई नए नए हमारे प्रोजेक्ट आए हों, इवेंट्स हुए हों, एस्टेब्लिश ए कॉन्टेस्ट फॉर राइटिंग। ध्यान रखिए कि हमेशा अपना जो भी राइटिंग लिख रहे हैं तो उस राइटिंग के लिए क्या करना है, आपको परिस्थिति पैदा करनी है और उनको क्रिएट करना है। जो भी कंडीशंस हैं उसको क्रिएट करिए, उसके बाद उनको आगे लिखते चले जाइए। गिव डिटेल्स ऑफ द टॉपिक इश्यू, पूरी डिटेल्स दीजिए टॉपिक के बारे में, इश्यू के बाद में। जैसे एग्जांपल पॉल्यूशंस है तो पॉल्यूशन के बारे में, इट्स कॉजेज उसके कारण क्या हैं, इफेक्ट्स वो क्या प्रभाव जमा रहा है, एंड पॉसिबल सॉल्यूशन और उसका संभावित जो समाधान है, आप उसको भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यहाँ पर एडिटर से मत कहिए कि भाई वो आपकी समस्या का समाधान करें। द एडिटर कैन ओनली गिव वॉइस टू योर व्यूज़, एडिटर तो केवल अपनी जो आपकी व्यूज़ हैं उसमें आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं, यानी अपना उसमें हेल्प कर सकते हैं कि आप लोग भाई इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। कंसर्न्स पे, कंसर्न्स यानी कि मतलब होता है हमारा आपकी चिंता पर, कंप्लेंट्स आपकी शिकायत पर, सजेशंस यानी सलाह के लिए, क्रिटिसिज्म किसी चीज़ की अवहेलना करना, एप्रिसिएशंस यानी किसी की तारीफ करना, तो इन सब व्यूज़ पर आपको क्या कर सकते हैं, केवल अपनी आवाज़ के द्वारा वो आपकी बात को लोगों तक या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। द एडिटर मे ऑल्सो बी अप्रोच्ड फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट एयरिंग ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट्स बिजनेस हाउसेस, एडिटर भाई अप्रोच कर सकते हैं यानी संपर्क करवा कर सकते हैं शिकायत के लिए जो एयरिंग ऑफिशियल के द्वारा के अगेंस्ट में है। एयरिंग ऑफिशियल्स का मतलब जो गुमराह कर रहे हैं अधिकारी लोग उनको लेकर, या डिपार्टमेंट्स हमको गुमराह कर रहा है उसके बारे में, बिजनेस हाउसेस जो गुमराह कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको लेकर। टू बॉस कलीग्स एंड एक्वेंटेंसेज, यानी कि जब हम कोई लेटर अपने बॉस कलीग्स या एक्वेंटेंस को लिखते हैं तो उसके लिए शो ड्यू रिस्पेक्ट बट डू नॉट फ्लैटर, यहाँ पर रिस्पेक्ट तो शो करिए जब अपने बॉस को लिख रहे हैं, अपने कलीग्स यानी साथी को लिख रहे हैं या अपने परिचित को लिख रहे हैं, रिस्पेक्ट तो दीजिए उन्हें, लेकिन फ्लैटर मत होइए। फ्लैटर मीन्स यानी ऐसा ना लगे सामने वाले को कि हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं। क्लियरली स्टेट द पर्पज ऑफ राइटिंग, और अपना जो उद्देश्य है लेटर लिखने का वो साफ साफ बताएं, जैसे सीकिंग एक्शन ऑन ए प्रपोजल और प्रॉमिस, कि भाई जो प्रपोजल है या फिर जो वादा है उसके साथ उसके लिए जो भी आप एक्शन देख रहे हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। ETC मेकिंग इंक्वायरीज, और साथ में इंक्वायरीज भी कर सकते हैं। यूज़ पोलाइट लैंग्वेज एंड प्लीसेंट टोन, और ध्यान रखें केवल अपना जो पोलाइट लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करें, और जो टोन है आपकी वर्ड्स की उसको भी बहुत प्लीसेंट रखें यानी शालीनता वाली। ये हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, डोंट स्टार्ट दिस राइटिंग सेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सॉरी राइट साइड ऑफ द पेज। जैसे एड्रेस ऑफ द सेंडर, जैसे कि सबसे पहले आपको भेजने वाले का अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है, और उसके बाद फिर डेट डालनी होती है, फिर नेम ऑफ द एड्रेसीज या एड्रेस ऑफ द एड्रेसीज, यानी इसका मतलब कि जिस पर्सन को आप यानी रिसीवर ऑफ द एड्रेस भी कह सकते हैं हम इसे, कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं पहले उनका नेम उसके साथ उनका एड्रेस ये सब चीज़ें यहाँ आ जानी चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि आप जैसे रेस्पेक्टेड डियर या कुछ भी लिखते हैं उस बारे में। उसके बाद सब्जेक्ट डालिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर इंट्रोडक्शन यानी जिसमें हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं आप यहां पर उसे लिखेंगे। उसके बाद बॉडी यानी सेकंड पार्ट में, और उसके बाद कॉन्क्लूजन और क्लोजिंग यानी निष्कर्ष क्या निकला, और लास्ट में जब लेटर क्लोज करते हैं हम उसको लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर, और सबसे लास्ट में आपको भेजने वाला जो लेटर भेज रहा है उसका नाम यहां पर मेंशन करना होगा। ये एक हमारा फॉर्मेट है, तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में लिखे हुए लेटर में सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आ रहा है 89 कलक क्षेत्र बीवर रोड पालमपुर, उसके बाद डेट आ रही है, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आ रहा है जो भी उनका नेम है डेजिनेशन है पूरा एड्रेस आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आ रहा है कि भाई किस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, उसके बाद सैल्यूटेशंस यानी सर मैडम या रेस्पेक्टेड मैम जो भी हम लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटन इन दिस स्पेस इट यूजली मेक्स 3 पैराग्राफ्स, तो ये ध्यान रखिए कि एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो उसमें 3 पैराग्राफ हमारे होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में
why you are and why you are writing, भाई आप कौन हैं और आप ये क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में बताइए, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ देना होता है। और सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो अपनी समस्याएं हैं उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और जो थर्ड पैराग्राफ है, व्हाट यू वुड लाइक द रीडर टू डू, कि आप पढ़ने वाले से मतलब क्या अच्छा लगता है करवाना, या भाई क्या आपको वो है कि इससे मतलब जो पढ़ेगा उसको वो अट्रैक्ट होगा। होप, अपील, वार्निंग, कॉन्क्लूजन, कमेंट, और यहाँ पर अपनी जो उम्मीद है, अपील कर रहे हैं आप, वार्निंग, कॉन्क्लूजन, इनके बारे में यहाँ सेंटेंसेज आप एड डाउन कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे, जो हमने ये लेटर है ये एडिटर को लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली के लिए, और किसके लिए है, ग्रोइंग एडिक्शन टू वीडियो गेम्स एमंग स्कूल चिल्ड्रन, की जो बच्चों में एक वीडियो गेम्स खेलने के प्रति जो वो हैबिचुअल हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुके हैं, यानी आदि हो चुके हैं, तो उसके बारे में है कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में यहाँ पूरा लिखा गया है। और सबसे लास्ट में देखिए, इन क्लोजिंग द लेटर राइट yours with a capital Y, कि जो आपको yours लिखना है उसमें Y capital से, and faithfully और sincerely, आप बाद में yours truly, yours sincerely, yours faithfully का use कर सकते हैं small letter के साथ में। Thank you।